तो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस आज आप लोगों को टिनिटस के बारे में बताएं। तो टिनिटस कहते किसको हैं पहले आप ये जानते हैं। कान में आवाज़ होना उसी को टिनिटस कहते हैं। टिनिटस का स्पेलिंग हुआ TINNITUS, उसी को कान में आवाज़ आना हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में टिनिटस कहते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है। तो पहले आप तो ये जान जाए कि टिनिटस कहते हैं। कान में आवाज आना, आवाज किस टाइप का, मक्खी भुनभुना रहा या ट्रेन चलने के बाद या झंझनाहट के बाद, इस तरह की आवाज अगर कान में गूंजती है उसी को टिनिटस कहते हैं। तो इसका होम्योपैथिक में बहुत सारे अच्छी मेडिसिन है। जो ये जो प्रॉब्लम है कान में आवाज़ होने की, ये बड़ी एक खराब प्रॉब्लम है। इसके होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है और पेशेंट तुरंत ठीक हो जाता है। अब जैसे कान में ऐसी आवाज़ है कि बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट, शेर की दहाड़ की आवाज़, इस टाइप के सुनाई कान में ज़्यादा दे, तो उसके लिए और पेट में गैस का भी प्रॉब्लम हो, तो आप चाइना मेडिसिन यूज करें। चाइना का पूरा नाम हुआ चाइना ऑफ एसिनेल्स। आप 30 नंबर में ले लें, सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद खाएँ, बहुत ही बेटर काम करते हैं। उसके बाद एक और मेडिसिन है दोस्तों, मेडिसिन का नाम है साइलेसिया। तो साइलेसिया मेडिसिन भी कान में आवाज़ के लिए बहुत ही बेटर मेडिसिन है। अगर कान में बहने का प्रॉब्लम हो, कान का चदरा प्रभावित हो, उस वजह से कान में आवाज़ आने का प्रॉब्लम हो, तो आप साइलेसिया मेडिसिन लें, बहुत ही बेटर काम करती है। चाइनेसिया 30 नंबर में ले लें, साइलेसिया, और दो दो बूंद 3 बार खाएं, अच्छी वजह करती है। अब ऐसा लगे कि कान में रेलगाड़ी के आवाज़ या चीयों की चहचहाट की आवाज़ आती है, तो आप काली मिर्च 6 6 लें, सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद खाएं, तो बेटर काम करती है। और भी बहुत सारी मेडिसिन है कान में आवाज़ आने की। जैसे चबाते समय कान में आवाज़ सुनाई दे, तो आप काली सल्फ 6 6 लें, दो दो गोली 3 बार खाएं, बहुत ही बेटर काम करती है। ऐसे कान दर्द की आवाज़ में बेलाडोना मेडिसिन भी बहुत ही बेटर काम करती है, लेकिन उसमें कंडीशन पहले देख लिया जाता है, उसके बाद बेलाडोना मेडिसिन चलती है। अब जैसे लगे कि कान में घंटियों की आवाज़ बज रही है, तूफान में हवा चलने का जैसा सोर्स कान में सुनाई दे, तो उस दौरान आप प्रीडम पाल ले लें मेडिसिन 30 नंबर, दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम खाएँ, बहुत अच्छा काम करती है। और एक और मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम। उसमें अपने ही आवाज़ कान के अंदर बार बार गूंजे, तो इस दौरान जो मेडिसिन है लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है। तो टिनेटस का होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे ग्रेफाइटिस भी है, काली सल्फ है, में भी आर्निका भी चल सकता है, लेकिन सिम्टम देखकर। तो जो सिम्टम आप लोगों को बताएं उस टाइप से अगर आप मेडिसिन लेते हैं, तो टिनेटस कान में आवाज़ की प्रॉब्लम का बहुत ही बेहतर इलाज होम्योपैथिक में है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।